यहाँ पर देखिए सिख कम्युनिटी के सभी मतलब जितने मैं कहता हूँ जैसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं भामा शाह लोग, तो हमारे तलवार साहब, सेठी साहब और बहुत सारे, निर्मल सिंह जी की मैं बात करूँ और सरबजीत जी अवध कॉलेजिएट से बाराबंकी से हमारे हैं, राजेंद्र सिंह जी और विनोद रात्रा जी, और सबसे बड़ी बात सतनाम सिंह संधू साहब जो राज्यसभा सांसद स्वयं, उसकी उनकी उपस्थिति ने सबके अंदर एक उत्साह भरा है। चीज़ें जिस तरह से होती हैं वो बहुत बेहतर होती हैं, और एक शिक्षा देने वाला व्यक्ति समाज को एक सही दिशा दे सकता है, इस पे कोई भी मतलब अंदेशा नहीं है। और आज के कार्यक्रम में मुझे यहाँ पर इन लोगों ने बुलाया, ऑल्दो सिख कम्युनिटी का प्रोग्राम था, लेकिन मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि एक लर्नेड व्यक्ति को सुनना, उसके विचारों को सुनना, और वो कहीं ना कहीं हमारे को भी, हम सभी को अपनी चीज़ों को बेहतर करने में कहीं ना कहीं प्रभाव अवश्य उसका रखा जाएगा। की ओर बढ़ रहा है, और आज के कार्यक्रम में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर ने जिस तरह से अपनी बात को रखा, बल्कि मैं कहूँगा एक राज्यसभा सांसद ने, और अपनी उस कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह के प्रयास होने चाहिए, वाकई में काबिल तारीफ़ है। लखनऊ में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कैंपस खुलना लखनऊ के लिए बहुत बेहतर है, चूँकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत जल्दी ही हम भी अपनी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये हम सब के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि जहाँ पर शिक्षा बेहतर होती है वहाँ पर तरक्की बहुत तेज़ी से होती है। सर सारे अपने सीटों पर विराजमान हो, क्योंकि वीर जी का सम्मान असी नहीं किया हूँ तक, तो जिहड़ियां लखनऊ दीआं सिख संस्थावां इत्थे आईआं हन वो सारे वीर जी का सम्मान करनगे। प्लीज़ सारे बंदे आओ, थले आ जाओ, मैं फिर बुलाई जावांगा। साढ़े माइनॉरिटी मैंबर परविंदर सिंह जी, रजिंदर सिंह जी बग्गा खालसा चौंक, आ जाओ आ जाओ आई प्लीज़ आ जाओ यूपी सिख विचार मंच, प्लीज़ आ जाओ जी। उस तो बाद मैं सम्मान वास्ते बुलाने, आ जाओ आ जाओ परविंदर सिंह, आ जाओ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੱਗਾ ਖਾਲਸਾ ਚੌਂਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ।